गाइस कैसे हो आप सब। देखो सलमान खान को लेके एक जबरदस्त अफवाह उड़ रही है इस वक्त कि सलमान खान ने विक्की कौशल को इग्नोर कर दिया, सलमान खान ने ये कर दिया, सलमान खान का एटीट्यूड है, सलमान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। विक्की कौशल के फैंस काफी ज्यादा बोलने लगे, सलमान खान के अंदर घमंड आ गया है, सलमान खान को ये गुरूर है, मतलब तमाम बातें आने लगी। तो वो ये जो क्लिप है इसमें आपने देखा कि सलमान खान एंड सलमान खान के बॉडीगार्ड ने ऐसे करके विक्की कौशल को रोक दिया, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। और इसको खुद विक्की कौशल ने एक वीडियो में बोला है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है विक्की कौशल ने कि मीडिया ने जबरदस्त तरीके से इसको उछाला है और अपने तरीके से कहानी बनाई है। जो कि दूसरी वीडियो में आप देखोगे विक्की कौशल जो है सलमान खान उनको खुद गले लगा रहे हैं। एक्चुअली क्या, सलमान खान को जैसे पता है ना उनके पास सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त, उनकी बहुत टाइट सिक्योरिटी है, इसलिए वहां पर जो जगह जो कंजेस्टेड थी जहां पे सलमान खान गुजर रहे थे, वहां पे विक्की कौशल साइड में खड़े हुए थे। वहां पे जो सलमान खान जा रहे थे तो सलमान खान की बॉडीगार्ड चारों तरफ से सलमान खान को घेरा हुआ था, इसलिए सलमान खान अगर वहां पे रुकते तो वहां पे बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती थी। इसलिए सलमान खान ने इशारे में आगे बोला कि आगे मुलाकात करते हैं। लेकिन जो वीडियो दिखाई गई वो वीडियो ऐसी दिखाई गई कि सलमान खान ने साफ साफ उनको निग्लेक्ट किया है, अवॉइड किया है, उनको नीचा दिखाया है। बहरहाल लेकिन एक चीज मीडिया की एक खासियत है, जैसा कि एक आपने कुछ दिन पहले देखा था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, सलमान खान, गौरी खान ने एक जहां फोटो शूट करवाया था, अंबानी की कोई पार्टी थी उसमें सलमान खान भी पहुंचे थे, साथ में सलमान खान के साथ शूट हुआ, लेकिन वहां पे ऐश्वर्या राय भी आई थी। तो मीडिया वाले ने कितने प्यार तरीके से दिखाया कि सलमान खान के जस्ट बगल में ऐश्वर्या राय खड़ी है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये मीडिया वाले कुछ भी तरीके से बना के उसको दिखा सकते हैं कि ये चीज देखिए ऐसे हुआ, लेकिन रियलिटी से कोसों दूर होती है। और लोगों ने ये भी बोला कि सलमान खान को जेलेसी है विक्की कौशल से। तो एक बात बता दूं भाई साहब, सलमान खान को जेलेसी किस बात की होगी? क्या इस बात के लिए जेलेसी होगी कि उनकी शादी कैटरीना कैफ से हुई है? तो शायद आप बहुत पहले का भी कई अवार्ड शो है उसमें आप देखे कैटरीना के साथ विक्की कौशल बैठे हुए हैं और सलमान खान उनसे मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अवार्ड नहीं हुआ, कई अवार्ड होंगे उसमें विक्की कौशल साथ सलमान खान ने मस्ती की है कैटरीना के साथ होकर। और ये जब न्यूज आई थी कैटरीना विक्की कौशल से शादी कर रही हैं, ये हम लोगों को बाद में पता चला था। भाई को पहले ही से पता था कि विक्की कौशल से कैटरीना शादी करने वाली हैं, तो भाई को क्या प्रॉब्लम होने वाली है यार? देखो बड़ी बात वो नहीं है किस्मत में कैटरीना किसके आई है, ऐश्वर्या किसके आई, किस्मत की बात तो ये होगी कि सलमान किसके किस्मत में आएंगे, ये बड़ी बात होगी, बड़ी बात ये नहीं है, समझे। और जो चीज लोग बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं बिल्कुल गलत है। विक्की कौशल ने खुद ये मैंने बोला ना कि कंफर्म किया है कि सलमान भाई के साथ जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया वालों का है। तो सलमान भाई को लोगों को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए सलमान भाई के बारे में कुछ बोलने का, बस लोग स्टार्ट हो जाते हैं कि देखो सलमान भाई के घमंड है, गुरूर है, पतंग किसी है, ये सब फालतू चीजों पर ध्यान ना दीजिए। ऐसी चीजें आपको कई बार देखने को और भी मिलेंगे, ठीक है। तो भाई की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।